पूसावादा विर्मनि सिखापदं स्मादयामि पूसावादा विर्मनि सिखापदं स्मादयामि। मेरा नाम डॉक्टर आनंद रखित है और मैं दतिया जिले का मैं रहने वाला हूँ। मेरी जन्मभूमि दतिया जिले में पड़ती है और मैं 1995 में मैंने गृह त्याग किया है। मेरा अब निष्क्रमण 1995 का है। इसके पहले मैंने 1985 में मेडिकल कॉलेज रीवा में प्रवेश लिया। 1990 में मेरा MBBS हुआ और 1994 में मेरा MS कंप्लीट हुआ ऑप्थल्मोलॉजी में, नेत्र रोग विज्ञान में मैंने MS किया है। और आज वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश के नालंदा महाविहार बुद्धविहार में रह रहा हूँ, जो परिवर्तन मिशन स्कूल से कनेक्टेड है। भंते जी, आपने MBBS किया रीवा से, फिर आपने MS किया ऑप्था में, आँखों की विशेषज्ञ आप बने, फिर आप इस जीवन में कैसे आ गए? दरअसल एक घटना मेरे जीवन में घटी जो बहुत महत्वपूर्ण मुझे समझ में आई। वो घटना थी कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में MS कर रहा था, उस दरमियान हम लोगों को सर्जरी करने का बहुत सारा मौका मिलता है। सर्जरी की हम लोगों ने, तो मैंने एक बार एक पेशेंट का ऑपरेशन किया, आँख का ऑपरेशन किया। आँख का ऑपरेशन करने के बाद वो पेशेंट जो है जब ठीक हो गया, 5-7 दिन के अंदर ठीक हो गया, तो ठीक होने के बाद उस पेशेंट को दिखने लगा। जब दिखने लगा तो वो पेशेंट जो है बाजार गया, मार्केट जा करके वो कुछ लड्डू लाया, 1-2 किलो लड्डू लाया और वहाँ से ला करके उसने वो मंदिर में चढ़ाने गया। तो मैंने उससे पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि सर हम जो है मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों? बोले हमारे यहाँ कब ठीक हो गई है, हम उनको दिखने लगा तो हम जा रहे हैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए। मैंने कहा भले आदमी, वहाँ जाने के पहले ये जो मैंने काम किया है मुझे तो कुछ मिलता उसका? तो वो चुपचाप रह गया। तो मुझे एक बात समझ में आई वहाँ पर इस घटना से कि भाई इसकी आँख तो मैंने ठीक कर दी, आँख से इसको दिखने लगा तो काम करने लगा, लेकिन मंदिर में क्यों जा रहा है? मंदिर में इसलिए जा रहा है कि इसका जो भेजा है, इसका जो ब्रेन है वो सही काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने उस समय से ही मैंने संकल्प लिया कि आज के बाद अब मैं नेत्र की सर्जरी नहीं करूंगा, आंख का ऑपरेशन नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ भेजे का ऑपरेशन करूंगा, ब्रेन का ऑपरेशन करूंगा। इसलिए उस समय से मैंने ब्रेन का ऑपरेशन करना शुरू किया और पूरे देश में ऑपरेशन में आज भी कर रहा हूं और वही काम मुझे सबसे अच्छा लगा। मतलब आपको ये बात वहाँ उस घटना से समझ में आ गई कि लोग आँख के अंधे नहीं है, मन के अंधे हैं, दिमाग के अंधे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात से अंधे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने अपनी डॉक्टरी का पेशा नहीं छोड़ा और आँख का ऑपरेशन करने की बजाय दिमाग का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया? नहीं, डॉक्टर का पेशा मैंने छोड़ दिया, छोड़ा नहीं, मैंने छोड़ दिया पूरी तरह से। मैंने वो पैसा भी छोड़ा है, उसके बाद मैंने ये संकल्प लिया कि मुझे एजुकेशन की फील्ड में काम करना है, शिक्षा की फील्ड में ही काम करना है। मुझे गरीब बच्चों को पढ़ाना है, गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम करना है। इसीलिए 1995 में मैंने गृह त्याग किया। मेरा अवनिष्क्रमण 1995 में हुआ और ये अवनिष्क्रमण हुआ कि मैंने अपने घर वालों के लिए, चूंकि मैं 1994 के बाद मऊ चला गया था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान में मऊ चला गया था, मऊ में जाकर के मैंने एक साल तक वहाँ अध्ययन किया। एक साल तक अध्ययन करने के बाद फिर मैंने जान करके कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मैंने अपनी जिंदगी का फैसला किया और मैंने घर वालों को 36 पेज का लेटर लिखा। 36 पेज का लेटर लिख करके उसमें 3-4 स्टेप बनाए, उसमें घर वालों के लिए लिया लिखा, रिश्तेदारों के लिए लिखा, मोहल्ले वालों के लिए लिखा, गांव वालों के लिए लिखा। सबसे मैंने अपनी अपनी विदाई ले ली उस लेटर के माध्यम से और मैंने कहा भाई अब मैं घर नहीं आऊँगा, मेरा काम मुझे करने दो और घर वाले अपना काम करें, जो उनको करना है वो करें। मैंने तय कर लिया कि मुझे क्या काम करना है, उसी काम में मैं जब से लगा हूँ। जब आपने भंते जी सभी परिवार को लेटर लिखा कि आप अब घर छोड़ रहे हैं, तो आपके माँ बाप, सबसे पहले तो आप अपने माँ बाप का नाम और परिचय बताएं और फिर जगह का बताएं और फिर बताएं कि उन पर क्या असर पड़ा, उन्होंने क्या कहा? जी हाँ, मेरे पिताजी का नाम है आयुष्मान जागन सिंह, माता जी का नाम है आयुष्मती हरवोबाई और मेरे दो भाई हैं और दो बहनें हैं। मैं ग्राम एरई जिला दतिया मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। जब मैंने घर छोड़ा तो असर तो बहुत पड़ा, बहुत असर ये पड़ा जैसे माता पिता की जो आकांक्षाएं होती है, निश्चित रूप से उनको बहुत बड़ा धक्का लगा।
लेकिन माता पिता ही नहीं बल्कि नाते रिश्तेदार, मोहल्ले के लोग, गांव के लोग मेरे से बहुत बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे। वो सारी उम्मीदों पर मैं खरा नहीं उतरा। ये मैंने अपने गांव में जाकर के भी ये बात को बताया कि मैं सारी उम्मीदों में खरा नहीं उतरा हूँ निश्चित रूप से, लेकिन मुझे धर्म का रास्ता मिला, बुद्ध का रास्ता मिला और मैं शिक्षा काम कर रहा हूँ, इसकी मुझे खुशी है। ये सबको अभी उनका क्या एटीट्यूड है, क्या वो सोचते हैं कि आपने जो डिसीजन लिया वो कैसा है? नहीं, अब तो उनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो लिया वो डिसीजन बिल्कुल सही लिया है। अब मेरे पिताजी पासा भी हो गए 2007 में, परंतु मेरे और परिवार के लोग जो भी हैं, जो मुझे खबर मिलती है, मैं तो घर जाता नहीं हूँ पर खबर मुझे मिलती है, जिस दिन मैंने गांव में भिक्षाटन किया था तो मैं अपने घर पर भी गया था भिक्षाटन करने के लिए, पूरे गांव में भिक्षाटन का प्रोग्राम चलाया था मैंने, तो मुझे वो भी मैंने अपने गाँव में किया है, तो मुझे उनकी खुशी दिखती है उनके चेहरे पर, लगता है कि हाँ, क्योंकि मेरे गुरु जी ने कहा था कि जब आप चीवर ले लिए हो तो अपनी माता जी को जिंदा है उनको धम्मदेशना जरूर देना, इसीलिए गाँव में धम्मदेशना का प्रोग्राम रखा था। ये 5 नवंबर 2017 को धम्मदेशना हुई थी मेरे गांव में, तो वो धम्मदेशना जो हुई थी उस धम्मदेशना में मेरी माताजी आई थी और उसके बाद माताजी बहुत प्रसन्न है और ऐसा मुझे जानकारी मिली है गांव के लोगों से, बहुत प्रसन्न रहती है, बहुत खुश रहती है, स्मारक बन गया उससे और ज्यादा खुशी हो रही है कि नहीं गांव के लोगों को कम से कम इन्होंने जोड़ने का काम किया है सब लोगों को, ये अच्छा लगा। आपसे प्रेरणा लेके किसी और ने भी लिया भंती जी अभी तक? नहीं, मेरे से प्रेरणा लेकर किसी ने लिया होगा तो मुझे पता नहीं है, लिया भी हुआ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे संज्ञान में तो मतलब मेरे एक साथी है जिनको मैं साथ में ले गया था, एक साथ हम दो लोगों ने चीवर लिए थे, फिर उन्होंने चीवर छोड़ दिया था, फिर मैंने उनको कहा कि आप दोबारा फिर लीजिए, फिर उन्होंने दोबारा फिर लिया, फिर छोड़ दिया और फिर तीसरी बार लिया, तो अब वो भिक्षु बन गए हैं, वो मेरे साथ में है करके। भंते जी, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, वो सभी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मगर उनको बहुत लंबे जीवन तक भिक्खु या भिक्खुनी नहीं बनना है या सामने नहीं बनना है, क्या ऐसा प्रोग्राम भारत में कहीं है कि कोई 10 दिन के लिए 5 दिन के लिए उनको ट्रेनिंग दे? नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा जो सेंटर है जहां हमारा स्कूल चलता है वहां पर हम शिविर रखें, हमारा प्रोग्राम शिविर का है कि हमको वहां सामने शिविर रखना है और इस सामने शिविर एक साल में कभी 2 बार 3 बार सामने शिविर होता रहे, ऐसा हमारा प्रोग्राम है, हम उसको चला रहे हैं और जगह भी चल रहे हैं, बहुत सारी जगह सामने शिविर जो 10 दिन के लिए होता है, 10 दिन के लिए आप भिक्षु जीवन जीए, अपना सामने जीवन जीए, ये भी अच्छी बात है, बहुत जीवन जो जी सकता है उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आपने 1985-95 में घर छोड़ दिया जी और गृह त्याग करके सभी घर वालों को अवगत करा दिया जी। हाँ, तो भंते जी, आपको गृह त्याग करने के बाद, घर छोड़ने के बाद में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा शुरू में? देखिए, मैंने ये पहले तय कर लिया था कि जब मैं घर छोड़ूंगा तो मुझे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक ऐसा काम अपने हाथ में लिया, जिम्मेवारी वाला काम लिया कि मुझे गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम बनाना है और गरीबों के लिए शिक्षा का इंतजाम बनाना हो तो गरीबी से मुकाबला करना पड़ेगा, गरीबी के अंदाज में काम करना पड़ेगा, यानी आपको पूरी डॉक्टरी का प्रोफेशन, पूरा मेडिकल प्रोफेशन छोड़ करके आपको धरती पर भी सोना पड़ेगा, पैदल भी चलना पड़ेगा, गाड़ी से भी चलना पड़ेगा, आपको कभी कभी तो आपको साइकिल से भी चलना पड़ेगा और वो भी काम मैंने किया है। तो मैंने सारा काम पहले तय करके कि मुझे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, हर मुसीबत का सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ और उसके लिए मैंने किया भी है, बहुत सारा काम किया और उसके लिए पूरे देश में काम किया, पूरे देश को टारगेट बनाकर काम किया और पूरे देश में मैं चला हूँ, हर तरह के साधन से मैं चला हूँ, लगभग 4.5 लाख किलोमीटर का मेरा सफर ट्रेन का सफर है वो, और कम से कम जो है 16,500 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाई है, जिसमें जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, मऊ से लेकर के कोल्हापुर, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, सभी जगह मैंने, सभी प्रदेशों में, लगभग 4-5 प्रदेशों में मैंने अच्छे से साइकिल चलाई है, इसमें प्रचार किया और खास तौर से मध्यान्ह भोजन बंद करो, शिक्षा का प्रबंध करो, इस लोगों ने मैंने तैयार किया। ये मुझे समझ में आई कि जो मध्यान्ह भोजन है ये गरीब बच्चों की मौत का वारंट है, गरीब बच्चों की शिक्षा को खत्म करने का एक अच्छा सोचा समझा भारत सरकार का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के खिलाफ मैंने इस देश में मूवमेंट चलाया पूरे देश में और आज वह हकीकत सामने आ गई कि देखो पूरे देश में शिक्षा को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और शिक्षा के ऊपर अटैक हो रहा है, पहले प्राइमरी एजुकेशन खत्म की, फिर मिडिल एजुकेशन खत्म की, हायर सेकेंडरी, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी पर हमला होने लगा। तो आपका कहने का मतलब है कि जो बच्चों को पढ़ने के बाद में जो खाना मिलता है, वो खिचड़ी और चावल जो घुटे हुए मिलते हैं जी, वो शिक्षा को रोकने का एक साधन बन गए?
जी हाँ, उसमें शिक्षा को रोकने का साधन यूं बना कि सरकार की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी है गरीब बच्चों को स्कूल तक लाने की पॉलिसी है, तो उसके लिए लालच दिया गया कि आपको दलिया खिचड़ी दी जाएगी, भोजन दिया जाएगा, आप वहाँ पर आकर के अपने बच्चों को भेजो, और बच्चों को भेजो अच्छी बात है, चलो बच्चों को भेजें, लेकिन आपने शिक्षा का प्रबंध क्या किया, स्कूलों की खस्ता हालत करके रखी, टीचरों की खस्ता हालत करके रखी, शिक्षा का कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई प्रबंध नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई शिक्षा की तरफ कंसंट्रेशन नहीं है, यानी कि बच्चे जो घर में रहते थे वो अनपढ़ होते तो अनपढ़ों की गिनती में आते, अनपढ़ों गिनती में आते तो अनपढ़ों की लिस्ट बनकर तैयार होती, तो वो ना बनने पाए, तो आप स्कूल में आइए, साक्षर हो जाइए, आपको वहां आकर के सिर्फ लिखना पढ़ना आ जाए, आपको नाम लिखना आ जाए, इतने सफिशिएंट आपके लिए, ऐसा सरकार ने प्रोग्राम बनाया है, और उसको उन्होंने कह दिया हमारे इस देश में शिक्षा अच्छे से पढ़ रही है, काफी पढ़े लिखे लोग तैयार हो गए हैं, ये अच्छा, वो उसी परिणाम आज दिखाई दे रहे हैं कि आज पूरा भारत एक तरह से अक्षर ज्ञान तो उसे आ गया मगर बाकी कुछ और ज्ञान नहीं आया। बिल्कुल, आप देख लो, आप पूरे देश में देख सकते हैं, एक तरफ तो ये शिक्षा है और दूसरी तरफ जो शिक्षा दी जा रही है वो शिक्षा भी क्यों दी जा रही है, मैं ये कहता हूँ लोगों से कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप बताइए आप पढ़ क्यों रहे, तो जवाब मुझे ये मिलता है भाई नौकरी मिल जाए हमको, बस वो बिल्कुल जो वो सोचते अंदर से वही निकल के बाहर आता है, हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं तो नौकरी के लिए पढ़ लो, नौकरी मिल जाएगी फिर तुम्हारे जीवन का क्या होगा, जीवन से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर जीवन को सुगम बनाने के लिए मुझे मजदूरी ना करना पड़े, रिक्शा ना चलाना पड़े, मुझे कोई हार्डवर्क ना करना पड़े और मुझे आसानी से मेरे जीवन की सुलभता हो जाए, आसानी से मैं अपने जीवन को चला सकूं, शिक्षा सिर्फ इतना काम कर रही है जो इंसान के लिए सफिशियंट और पर्याप्त नहीं है। भंते जी, इस पूरी जीवन यात्रा में जो आपने शिक्षा के लिए काम किया उसके क्या परिणाम रहे? उसके परिणाम ये रहे कि जहाँ जहाँ हमने शिक्षा के लिए काम किया है सभी लगभग अभी भी हमारे जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीन प्रदेशों में स्कूल चल रहे हैं, और अब मैंने लगभग जो है 225 परिवर्तन मिशन स्कूल के नाम से विद्यालय खोले, पूरे देश में लगभग 4-5 प्रदेशों में खोले थे, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ है कि धीरे धीरे वो विद्यालय बंद होना शुरू हो गए, बंद होने शुरू हो गए, बंद होने शुरू हो गए, और आज हमारे 3 प्रदेशों में विद्यालय चल रहे हैं, तो जिन लोगों को अच्छी बात समझ में आई, अच्छे से बात समझ में आई, उन्होंने अच्छे से काम को आगे बढ़ाया, जिनको बात कमजोर समझ में आई वो कमजोरी की तरह से काम आगे बढ़ा, इस प्रकार से मैं देखता हूँ कि समाज में शिक्षा के प्रति भी जिस काम को मैंने शुरू किया है उस काम के प्रति भी लोगों का पॉजिटिव रुझान मुझे बहुत कम नजर आया, उत्साह में खोल तो लेते विद्यालय को लेकिन अल्टीमेटली विद्यालय बंद क्यों हो जाते उसका मैंने बहुत बड़ा एनालिसिस किया और परिणाम सामने आया कि आज वही लोग मुझे फिर दोबारा फोन कर रहे हैं कि भंते जी हमको स्कूल खोलना है, हमें स्कूल खुलवाइए, फिर से हम स्कूल खोलना चाहते हैं, मैं कहता हूं कि भैया मेरा समय निकल गया है, अब मैं स्कूल का प्रबंध नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब हमारे स्कूल खोलने का समय था वो मेरे पास सारी ऊर्जा भी थी, मैं करता भी था, आज आप मेरे से कह रहे हो कि स्कूल खुलवाए आप आकर के भंते जी, तो अब मेरे लिए मुश्किल है काम, अब तो जो स्कूल चल रहे हैं उनको विधिवत तरीके से चलाने का मेरा प्रोग्राम है, और यदि कोई ऐसा ऑफर मेरे सामने आता है तो मैं भी उनके सामने ऑफर रखूंगा कि इन शर्तों पर स्कूल हम प्रारंभ कर सकते हैं, अन्यथा हम स्कूल प्रारंभ नहीं कर पाएंगे। बंते जी, जैसे भारत में और भी स्कूल चलते हैं और संगठनों के, जैसे मिशनरीज का चलता है वो बड़े अच्छे तरीके से चलाते हैं, और जो सिख हैं उन्होंने भी अपने स्कूल चलाए हुए हैं, जो मुस्लिम्स हैं उनके भी मदरसे चलते हैं, और जो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने कुछ खास तरह के स्कूल भी बनाए हुए हैं जिनकी बड़ी सारी शाखाएं हैं यहाँ हैं, उसी पैटर्न पे क्या कोई अखिल भारतीय बुद्धिस्ट स्कूल या बुद्ध लोगों का स्कूल का कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई सेटअप पूरे भारत में बनने की संभावना या कोई ऐसा है क्या? देखिए, मैंने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देखा है, संभावना तो हर जगह है, संभावना कभी खत्म नहीं होती है और संभावना कभी खत्म करना भी नहीं चाहिए, ना ऐसी निराशा हमारे मन में आना भी चाहिए, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन आदमी को हमें उस दिशा में तैयार करना पड़ेगा, और जब आदमी तैयार होता है जैसे परिवर्तन मिशन को हमने खोले तो उसी स्टाइल में हमने खोले कि भाई हमारे बच्चे ए फॉर अंबेडकर, बी फॉर बुद्धा, सी फॉर चतुर्भुज, डी फॉर दीक्षा भूमि, ई फॉर एजुकेट, एफ फॉर फायन, जी फॉर गार्गी बाबा, एच फॉर हरिदास, आई फॉर अगतपुरी, जे फॉर ज्योति फूले, के फॉर कबीर साहब, एल फॉर लुम्बिनी, एम फॉर मुकनायक, एन फॉर नारायण गुरु, ओ फॉर ऑर्गेनाइज, पी फॉर पटाचारा, क्यू फॉर क्वीन मामाया, आर फॉर रामास्वामी, इस तरह से मैंने पूरा एक सेटअप डेवलप किया है। पहली बार 1995 में पहली बार भारत के अंदर मैंने इसको खोज किया, और खोज करने के बाद ये किताब 1998 में छप करके हमारे सामने आई है, वो भी मेरे हाथ की लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट थी, वो छप करके आई है, तो ये किताब पहली बार निकल के भारत में, अब तो तमाम लोग उसकी नकल करके किताबें बनाने लगे हैं, लेकिन पहली बार मैंने इस किताब को छापा और वो पैटर्न सामने आया, और उस पैटर्न पर हमने स्कूल भी अपने प्रारंभ किए, वो चल भी रहे हैं। इंग्लैंड की कुछ लोग हैं, एक संस्था है जो भारत में खासतौर से पंजाब में अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी पे और बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी पे स्कूल बना रहे हैं। जी जी,
कुछ अम्बेडकराइट और बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी पे नागपुर में बना रहे हैं जी। आपने मध्य प्रदेश और झारखंड और जहां आपने 5-6 जिलों में बनाए हैं परिवर्तन के नाम से जी। कुछ स्कूल उत्तर प्रदेश के अंदर भी बने हैं जी। क्या कोई ऐसा भी समन्वय है, ऐसा भी कोऑर्डिनेशन है कि ये सारे स्कूल साल में या 6 महीने में आपस में बैठ के चाय पीते हों, मिलते हों, बात करते हों, एक दूसरे की समस्या करते हों, या आपस में एक ही संस्था डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध के नाम पे सभी एक साथ होने का काम करते हों, क्या कोई ऐसा सिस्टम है? नहीं, सिस्टम तो अभी नहीं है इस तरह का, लेकिन मेरी अभी इंग्लैंड वालों से बात हुई है। एक बार क्या 2-3 बार मेरे पास फोन आया उनका, और उन्होंने कहा कि आप जो है काम कर रहे हैं इस फील्ड में, तो आप आकर के हमारे स्कूल को देखिए। तो मैंने भी उनको ऑफर किया, मैंने कहा आप हमारे स्कूल को आकर देखिए, अब कब हम मिल सकते हैं, ये हमारा प्लान है मिलने का। तो 2-3 बार हमारी बात हो चुकी है, लेकिन इस विषय पर हम लोग इकट्ठा होना चाहते हैं कि होकर के कुछ एक लास्ट प्रोग्राम बनाएं और मिलजुल करके काम करें। ऐसी मेरी भी मंशा है कि सब लोग मिलजुल करके काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, अच्छे रिजल्ट आएंगे, अच्छे परिणाम आएंगे। लेकिन सब लोग को मिलना चाहिए, सब लोग एक साथ मिलने तो अच्छा है। तो भंते जी, ये शिक्षा के काम से, क्योंकि जैसा कि मेरी जानकारी में आया कि आप पहले सफारी सूट में एक स्मार्ट जैसे कि बाबा साहब रहते थे, उस तरह से रह के काम करते थे शिक्षा का, फिर आपने चीवर को धारण कर लिया, तो ये ग्रस्त से, या ग्रस्त तो नहीं कहेंगे क्योंकि आपने ग्रस्त तो छोड़ दिया था, अनागारिक थे आप, तो अनागारिक से आपने भिक्खु बनने का जो निर्णय लिया, इसके पीछे के क्या मेन कारण रहे? हाँ, तो मैं अनागारिक भी नहीं था, उसको अनागारिक नहीं कह सकते अपन, लेकिन हाँ मैंने गृह त्याग किया था ये कह सकते हैं। तो अनागारिक नहीं था, अनागारिक के लिए भी दीक्षा लेना पड़ती है तो अनागारिक कहलाता है, ऐसे कोई अनागारिक नहीं बन जाता है। लेकिन मैंने तो ये काफ़ी लंबे समय काम करने के बाद, फिर मुझे मैं आपको एक घटना याद दिलाता हूँ कि लखनऊ में हमारा ऑफिस है, शिक्षा भवन के नाम से ऑफिस है। कुछ समय के लिए हम बाहर हो गए, करीब 2-3 महीने के लिए बाहर हो गए, स्कूल के निर्माण कार्य में बिजी हो गए मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में। तो वहाँ पर कुछ उपद्रवी लोगों ने हमारे स्कूल पर अटैक, ऑफिस पर अटैक किया, यानी चोरी की वहाँ पर, और तोड़फोड़ मचाया, बहुत कुछ किया। हमारे कार्यकर्ता जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि जो है इसमें तो चोरी हो गई और तोड़फोड़ हो गई बहुत सारी। तो उस घटना को जब वो मेरे संज्ञान में आई, मैं जब वहाँ लखनऊ पहुँचा, उस ऑफिस को देखा, उसके हालात देखे कि चोरी तो कम, तो चोरी तो मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं हुई थी, लेकिन वहाँ पर जो है मतलब तोड़फोड़ बहुत मचाई ऑफिस के अंदर। तो इतना तोड़फोड़ मचाया कि मतलब सारा जितना डॉक्यूमेंट था सबको फैला दिया, पूरा एक कदम भी ऐसा नहीं था जो आप खाली जगह पर कदम रख सकते, ऐसा पूरा फैला दिया था। उस घटना ने मेरे जीवन में नया परिवर्तन लाया है। मैं ऑफिस में ऊपर से उतर के नीचे आया, नीचे जब ग्राउंड फ्लोर पर आया और मैं ऐसा लेट गया, लेटने के बाद मुझे मेरे मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ कि दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी पटिपदा मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से मालूम है मुझे, मैं इसके बारे में अच्छे से बता भी सकता हूँ, पर मेरे दुख का क्या हुआ? मेरा दुख तो वैसे का वैसा है, दुख में तो कोई कमी नहीं आई। इसका मतलब है कि याद करने से दुख कभी नहीं खत्म होगा। तो मुझे समझ में आया कि विपश्यना भगवान बुद्ध की जो मेडिटेशन है उसका पता किया जाए कि दरअसल वो क्या चीज़ है, उसको भी आजमाया जाए। उसको आजमाने के लिए मैंने सेंटर पर फ़ोन किया। सेंटर पर फ़ोन करने के बाद जो सेंटर से जुड़े हुए लोग थे उनको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि आप सर जी आ जाइए, 3 मार्च 2015 में शिविर शुरू हो रहा है, आप उसमें आ जाइए, और ये शिविर अच्छे टाइम पर शुरू हो रहा है, भिक्षुओं का शिविर है, उन भिक्षुओं के शिविर में आप बैठ जाइए तो आपको अच्छा रहेगा। तो काफ़ी 20 साल से लोग मैं इस प्रयास में थे कि मैं विपश्यना करूँ, पर मैं किसी की मानता नहीं था। एक माइंडसेट बना हुआ था, अरे मैं तो बड़ा काम कर रहा हूँ, अरे मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, अरे मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, ये तमाम तरह के क्लेश मन में थे, तो इसलिए वो सब काम अलाउ नहीं करते थे मेरे को। लेकिन जब मैंने लेट गया मैं अपने बिस्तर पर, और लेट करके मैं सोचने लगा, ये विचार मन में आया, मैं चला गया सेंटर, विपश्यना किया। बस विपश्यना से मेरे जीवन में एक नया परिवर्तन आया और मुझे लगा कि सच में मुझे वो विद्या मिली कि मुझे काम करना चाहिए, मैं उसमें काम कर रहा हूँ। तो फिर जाकर के मैं जो हमारे विपश्यना के पहले वहाँ पर जिन्होंने विपश्यना दी थी महाष्टवीर बुद्ध रखित जो विपश्यना आचार्य हैं उनको ही मैंने अपना गुरु बनाया, फिर बाद में उनसे मैं प्रवचित हुआ। तो आपने विपश्यना चक्कर देखी, आजमा कर देखी, आपका जीवन विपश्यना ने बदला, क्या बदलाव आया विपश्यना में आपके जीवन में? देखिए, विपश्यना का मतलब दूसरे के जीवन से कोई लेना देना नहीं है। विपश्यना का मतलब है हमारे अपने खुद के जीवन से, अपने बारे में अपनी सच्चाई को अपने ही अनुभव से जानना, दूसरे के अनुभव से नहीं।
और अक्सर क्या होता है कि हम दूसरे को ही ज्यादा देखते हैं, अपने आप को छोड़ देते हैं। विपश्यना का मतलब ही अपने आप को देखना, विपश्यना मतलब भी मतलब विशेष प्रकार से, पश्यना मतलब देखना। जब मैं अपने आप को असामान्य प्रकार से देखने लगता हूँ, सामान्य प्रकार से नहीं, सामान्य प्रकार से तो आंख खोल के देखते हैं। विपश्यना का आपसे गुण नहीं पूछ रहा जी, मैं तो आपके जीवन में क्या पिछले और क्या अगले बदलाव आए, पहले क्या थे और क्या है वो पूछ रहा हूँ जी। मैं विपश्यना के बाद मैंने एक महसूस किया है, जिस चीज को मैं महसूस किया हूँ कि पहले के मुकाबले में मेरे अंदर जो क्लेश था वो कम हुआ है। लेकिन उस परिवर्तन को तो लोग जिन्होंने मुझे पहले भी देखा है और बाद में देखा भी अच्छे से बता पाएंगे। आपको क्या लगा कि बुद्ध की जो ये खोज है और जो ये साइंस है, क्योंकि आप तो अच्छी तरह से ह्यूमन का जो हार्डवेयर है जिसको शरीर बोलते हैं वो आपने अच्छी तरह से लोगों का काट के फाड़ के अंदर से खूब देखा है, क्योंकि आप सर्जन रहे हैं और आंख के तो मास्टर रहे हैं आप। और भगवान बुद्ध ने बिना शरीर को चीड़ और फाड़ किए हुए और मन से पूरा शरीर को देखा, खोल के देखा उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर से। तो ये जो दो संबंध आपको एक साथ मिले कि आपने बुद्ध से सीखा मन से कैसे शरीर को खोलते हैं और आप शरीर को खोलना भी जानते हैं जी, तो दोनों का जो सामंजस्य आपने, क्योंकि आप अच्छे ज्ञाता रहे हैं, आप तो शरीर के बारे में भी जानते हैं, आप बुद्ध के मन के बारे में भी, तो कैसे बताएंगे कि बुद्ध की जो ये खोज है ये क्यों दुनिया में इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है? देखिए इसमें क्या है, दरअसल जैसे अभी आपने बहुत सारी बातें बताई कि हम अपना ऑपरेशन खुद कैसे करते हैं। अभी तक सर्जन तो दूसरे का ऑपरेशन करता है, हमेशा खोला भी शरीर तो दूसरे का शरीर खोला है, अगर जिंदा भी खोला दूसरे का खोला, अपना कहाँ खोला उसने, अपना नहीं खोला ना। ये विपश्यना का मतलब है कि इसमें अपने शरीर को खोलना, अपने ही मन से अपने शरीर को खोलना, ये अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर है। और उससे क्या होता है कि उससे जो सच्चाई सामने आती है वो सच्चाई मेरी भी सच्चाई सामने आती है, मेरे अपने अपने अपनी कमजोरियां सामने आती है, मेरे अपने दुख सामने आते हैं, मेरे अपने तृष्णाएं सामने आती है, मेरा अपना राग दोष सामने आता है, वो सब सबको मैं अपने आप खुद देख पाता हूँ कि सच में मैं जो है जिस जीवन को पहले जीता था और जिस जीवन को आज मैं महसूस कर रहा हूँ बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। जो साइंस नहीं खोज पाई बुद्ध उसके आगे भी निकल गए हैं। साइंस में भी पढ़ाते हैं मन के बारे में, मन होता है बस अकेला, मन के आगे क्या होता है वो बिल्कुल नहीं बताते हैं। मन के आगे साइंस में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि मन होता कैसा है, मन क्या काम करता है, मन के काम क्या है, मन कैसे कैसे गंदा होता है, कैसे कैसे मन को हम निर्मल कर सकते हैं, कुछ नहीं बताते साइंस में। तो ये भगवान बुद्ध की साइंस है, तथागत गौतम बुद्ध की जो साइंस है, जो तथागत गौतम बुद्ध ने साइंस खोजी है, ये साइंस तो जो आधुनिक साइंस से बहुत आगे की साइंस है, ये मैंने महसूस किया। तो पहले जब आप बुद्ध के स्टैचू को या बुद्ध के बारे में सुनते थे और विपश्यना करने के बाद जब आप बुद्ध को देखते हैं तो पहले क्या महसूस करते थे और विपश्यना के बाद में बुद्ध के बारे में क्या महसूस करते हैं? देखिए बुद्ध के बारे में पहले भी मेरा कोई गलत ऑब्जर्वेशन नहीं था, बुद्ध सदैव सदैव हमारे श्रेष्ठ रहे, हमारे मार्गदर्शन रहे हमेशा। लेकिन पहले का मार्गदर्शन और आज विपश्यना के बाद के मार्गदर्शन बहुत बड़ा फर्क आया है। ये वो व्यक्ति है जो स्वयं मुक्त हुआ, बुद्ध को कहते हैं गुरु, वो गुरु है। गुरु क्या है? एक ऐसे गुरु जो स्वयं मुक्त हुए लेकिन मुक्ति का रास्ता दूसरों को भी बताया कि दूसरा भी मुक्त हो सकता है रास्ते पर चल करके, भले वो कितना भी लंबा हो कितना ही कठिन क्यों ना हो, परंतु ये मार्ग है जिस पर हमें चलना है। और बुद्ध का ये मार्ग जो है वो और कहीं नहीं मिलेगा आपको देखने को, ये बहुत बड़ा फर्क है। तो पहले जितना विश्वास आप बुद्ध के विचार में या थ्योरी में पढ़कर सुनकर करते थे, अभी उसमें क्या अंतर आया? पहले विश्वास था, अब अनुभूति है। तो आपने कुछ और भी लोगों को रिकमेंड किया कि आप जाएं और जाके देखें विपश्यना कैसी होती है? मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड किया है, बहुत लोगों ने उसका लाभ उठाया है और आज बहुत सारे लोग इस रास्ते पर चल भी रहे हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो आप ये मानते हैं कि जो एक डॉक्टर जो सर्जन आपकी तरह है अगर वो विपश्यना करता है तो और भी ज्यादा वो शुद्ध और परिष्कृत और एक्सपर्ट हो सकता है? वो अगर विपश्यना करके वो सर्जरी करेगा तो वो एकदम शुद्ध हो जाएगा और वो साथ साथ में जो मंगल मैत्री, वो अपने पेशेंट को मंगल मैत्री भी देगा और वो मंगल मैत्री से दूर रहता है। वो अभी व्यवसायिक है, व्यवसायिक अभी व्यवसायिक बाद में भी रहेगा, परंतु उस व्यवसाय में शुद्धता आ जाएगी, उस व्यवसाय में उसका घर भी अच्छा रहेगा, उस व्यवसाय में उसके बाल बच्चे भी अच्छे रहेंगे, उस परिवार भी उसका अच्छा रहेगा और सुखी रहेगा, लोग उसको मैत्री की नजर से देखेंगे, आज व्यवसाय की नजर से देखते हैं फिर उसको मैत्री की नजर से देखेंगे, ये फर्क पड़ जाएगा। क्या भारत में जितने भी डॉक्टर हैं जो शरीर के विज्ञान के जानकार हैं उनको सभी को विपश्यना साधना कंपलसरी कर देनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ डॉक्टरों को नहीं, शिक्षा में विपश्यना को शामिल करके हर बच्चे को करना चाहिए ताकि वो आगे भी अपना रास्ता सही तय कर सके। विपश्यना सबके लिए जरूरी है, विपश्यना इंसान है तो विपश्यना उसके लिए बहुत जरूरी है। तो अभी आप दतिया में क्या कर रहे हैं? मैं दतिया में कुछ नहीं कर रहा हूँ,
दतिया से मेरा कोई लेना, दतिया तो मेरी जन्मभूमि है, कर्म भूमि तो मेरी असम नगर है, मतलब अभी जहां मैं रह रहा हूँ पूरा ऑल इंडिया मेरा कर्म भूमि है, मैंने पूरे देश में काम किया, तो मैं एक जगह का तो हो नहीं सकता ना, और दतिया तो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया, तो अब दतिया से मेरा परहेज नहीं है कि दतिया में जा नहीं सकता हूँ, कि मैं गाँव नहीं जा सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब जाने का तरीका बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया। तो आप वहाँ अशोक में क्या कर रहे हैं, सागर में क्या कर रहे हैं? सागर नहीं, अशोक नगर। अशोक नगर में क्या कर रहे हैं? नहीं, अशोक नगर में तो मेरा अपना संस्थान है, स्कूल चलता है वहाँ, परिवर्तन मिशन स्कूल जो नंबर एक का संस्थान वहाँ पर, इंडिया का मेरा, हमारे संस्थान का मिशन का, और वहाँ रह करके मैं पूरे देश में अपने मूवमेंट को संचालित कर रहा हूँ। आप टीचिंग अभी भी कर रहे हैं? मैं स्कूल में टीचिंग करता हूँ, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, भिक्खुओं को भी पढ़ाते हैं, और भिक्खुओं को भी मतलब पाली भाषा को पढ़ाने का मेरा प्रयास है, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, तो मैं उसी को उनको चाहता हूँ कि हमारे टीचर भी विनय में रहे, टीचर विनय सीखे, उनको विनय समझ में आना चाहिए कैसा होता है, तो उनको मैं सोचता हूँ उनको भी थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। पूरे भारत में भंते जी एक मुहिम चल रही है कि सभी लोग अपने घर में, बुद्ध विहार में, अम्बेडकर भवन में, जहाँ भी पॉसिबल हो सकता है वहाँ पे अशोक स्तंभ दोबारा से, अशोक की लाट दोबारा से लगवा रहे हैं। देखिए, इसका प्रोग्राम मैंने कुछ इस तरह से बनाया है, बिल्कुल ये मुहिम बहुत अच्छी है और ये मुहिम तेज होना चाहिए, बहुत तेज होना चाहिए। मैंने तो तय किया है कि जहाँ जहाँ हमारी धर्मदेशना होगी, जहाँ बड़ी धर्मदेशना होगी, और धर्मदेशना को सुन करके लोगों के मन में परिवर्तन आता है कि यहाँ पर कुछ हमारे चिन्ह होना चाहिए, तो मैंने हर जगह वो काम करने का शुरू किया है, और सबसे पहले मैंने अपने पैतृक गांव में किया है, जो मेरा पैतृक गांव है, जहाँ मेरा जन्मभूमि है, वहाँ पर सबसे पहला धर्मदेशना स्तंभ लगा हुआ है, उसका नाम धर्मदेशना स्तंभ दिया है, और पहला धर्मदेशना स्तंभ मैंने अपने गाँव में लगवाया है, ताकि लोगों को ये रहे कि मैंने गाँव में भी कुछ चिन्ह छोड़े हैं इस तरह के। तो एक धम्म का स्तंभ लगवाने में लगभग कितना खर्चा आ जाता है भंते जी? धम्मदेशना स्तंभ को लगाने में, ये तो अपनी हमारी पर्सनल बात है, अपन बैठ के बात कर लेंगे। नहीं, मैं दर्शकों की जानकारी में जानना चाहता हूँ कि छोटा बड़ा धम्मदेशना, क्योंकि लोग अपने घरों में भी लगवाना चाहते हैं। हाँ। आपने लगवाया है, आपका अनुभव है, तो लोगों को थोड़ा शेयर हो जाए, 50,000 में या 1,00,000 में या इसमें लग सकता है, तो लोग उसी सब, क्योंकि लोगों को लगता है कि धम्म स्तंभ बहुत ज्यादा पैसे में लगता है। नहीं, वो उनको सही लगता है, धम्मदेशना स्तंभ में पैसा लगता है, अगर आप धम्मदेशना स्तंभ बड़ा बनवाएंगे, छोटा बनवाएंगे, उस पर उसके आधार पर पैसा लगता है, उसको अच्छा बनवाएंगे पैसा ज्यादा खर्च होता है निश्चित रूप से। अभी जो हमारा धम्मदेशना स्तंभ बना है हमारे गाँव में, उसमें लगभग 7,00,000 रुपए खर्च हुए। अच्छा, कितनी ऊंचाई का है? पर वो करीब मुझे लगता है 35 से 38 फुट की ऊंचाई है उसकी। अच्छा, कहाँ से बनवाते हैं उसे? उसे राजस्थान से बनवाते हैं, मगर राजस्थान में जो 10 फुट के और 15 फुट के वो तो बहुत सस्ते आ जाते हैं, 1,00,000 में 1,25,000 में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ दिल्ली में 1,00,000 और 2,00,000 के कई स्तंभ लगे हैं। तो वो 10 फुट की है, वो 38 फुट का है। हाँ, 38 फुट का महंगा। जी जी, 38 फुट का ऊंचाई रहेगी तो उसकी मोटाई भी पड़ेगी, तो उस ज्यादा पैसा पड़ेगा उसको, वो तो बहुत महंगा। 7,00,000 रुपया मैं स्तंभ लगवाना 38 फुट का, जी जी, लोग इसको लगवा सकते हैं, उनको बिहारों में लगवाना चाहिए। नहीं, वो हम बताएंगे आपको, आप तो दौड़ के लगवाएंगे, मैं बताऊंगा अभी उसके बारे में, तो मैं लगवाएंगे आप। जी जी, आपका भंते जी भविष्य में क्या प्रोग्राम है? अभी भविष्य का हमारा, मेरा प्रोग्राम ये है कि देश में बुद्ध का धम्म फले फूले स्थापित हो, और उसके लिए विधिवत तरीके से प्लान बने, और देश के लोग, हमारे देश के लोग जो सभी उपासक हैं और सभी भिक्षु हैं, सब लोग मिलकर तालमेल बना के काम करेंगे, तो निश्चित रूप से ये काम होगा, पहला काम। और दूसरा, शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, शिक्षा का प्रबंध हमारा होगा, हम शिक्षा के मालिक बनेंगे, और शिक्षा के मालिक बनते हम किसी के मालिक बन सकते हैं, शिक्षा के एक्चुअली हम मालिक नहीं है, इसलिए हमारा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान होता है। और आज की डेट में तो आप महसूस कर सकते हैं कि जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खुल गए हैं, वो सारी संस्थाएँ हमारे 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 काम की चीज़ें नहीं है, हमारे काम की चीज़ें हमारी संस्थाएँ होंगी, हम बनाएंगे हमारे काम की चीज़ें होंगी, वो हम काम करेंगे मिल करके, जुल करके, सब लोग मिलकर, तो हमारा काम आगे खुले। आज समझ में आ लोगों को, हमारे बच्चे डॉक्टर नहीं बन पा रहे, इंजीनियर नहीं बन पा रहे, इतने महंगे महंगे संस्थान खड़े हो गए, क्यों नहीं बन पा रहे? हमने कोई तैयारी नहीं की उसकी, हम अपनी तैयारी करेंगे, तो हम सारा पैसा, मैं आपको इसकी प्लानिंग बताऊंगा विधिवत तरीके से बैठ करके, कि हम अपना स्कूल बिना किसी पैसे को, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके भी खोल सकते हैं, इसकी प्लानिंग मेरे पास है, मैं आपको बताऊंगा। बहुत अच्छा, जिन भी लोग जो लोग स्कूल खोलना चाहते हैं वो आपसे संपर्क कर सकते हैं, बिना पैसे के स्कूल कैसे, बिना पैसे के स्कूल कैसे खोलना है, जितना पैसा खर्च वो बाहर कर रहे हैं वही पैसा हमको देना, और ज्यादा नहीं देना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो 1956 में धम्म देशना और दीक्षा ली थी, और जो लोगों को आह्वान किया था कि आपको वापस भारत के इस महान धम्म में आना है, जहाँ भारत में इसकी पैदाइश हुई है और ये भारत का ओरिजिनल धम्म है, उसके बाद बाबा साहब चले गए और धम्म का जो कारवा है वो थोड़ा सा स्लो हो गया, मगर बाबा साहब ने एक सूत्र भी दिया था कि संगठित रहो,
तो क्या ये जितने भी धम्मिक लोग हैं इनके लिए भी कहा था कि सबको इकट्ठे और एक साथ रहना है और संगठित रहना है? असल में इसमें इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने तीन बातें कही थी, अकेले एक बात नहीं, तीन बातें कही थी, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। एजुकेट को जब आप हिंदी देखेंगे इसकी तो इसका मतलब होता है शिक्षित करो, एजिटेट को देखेंगे इसकी हिंदी देखेंगे तो उसका मतलब होता है आंदोलित करो, और जब ऑर्गेनाइज की हिंदी देखेंगे तो उसका मतलब होता है संगठित करो। ना शिक्षित बनो, ना संगठित बनो, ना संगठित बनो, ये बाबा साहब ने बिल्कुल नहीं कहा। बाबा साहब का जो उद्देश्य था वो था एजुकेट, मतलब शिक्षित करो, हमको शिक्षित करना है। दो तरह से शिक्षित करना है, नंबर एक हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं या गैर पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी हमें शिक्षित करना है। बच्चों को शिक्षित करने की बात नहीं, अकेली हमको हर स्तर पर शिक्षित करना है लोगों को, हर स्तर। जो भी जागरूक लोग हैं वो जागरूकता के आधार पर शिक्षित करें उनको, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो शिक्षा के आधार पर शिक्षित करें। शिक्षित करने का ही काम करना है, हमें करना है, एक्टिव रहना है, उसके लिए पैसे नहीं देना है, एक्टिव ही एक्टिव हमेशा। उन तीनों जो वर्ब यूज किए, एक्टिव वर्ब यूज किए, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, तीनों एक्टिव वर्ब है, पैसे वर्ब नहीं है। इनका मतलब है हमको एक्टिव रहना है। तो हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था जी, हाँ, बहुत सारे बुद्ध विहार और कबीर भवन, अम्बेडकर भवन, रविदास भवन, नामदेव भवन और संत तुकाराम भवन, और क्या बोलते हैं ये जो उधर छत्तीसगढ़ में जो चलते हैं संत हैं, ये जितने भी चलते हैं ये सारे भवन बने हुए हैं, बड़ी बड़ी की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, सभी की विचारधारा एक ही है, जो कह सकते हैं कि बाबा साहब ने जो विचारधारा बताई या जो बुद्ध की विचारधारा है उसके बीच में सारे आते हैं, मगर सभी अलग अलग होके अपना अपना काम चला रहे हैं। कोई राष्ट्रीय स्तर पे जैसे बौद्ध विहार, भारतीय बौद्ध विहार समन्वय संगठन या भारतीय बुद्ध विहार प्रबंधन कमेटी, या जैसे सारे ऑल इंडिया भिक्खु संघ, एक ही भिक्खु और एक ही उनके संघ नायक, इस तरह की संस्था अभी देखने को नहीं मिल रही है जी। हाँ, तो क्या बिना ऐसी कोई संस्था बने कोई कल्याण का रास्ता तेजी से चल सकता है? देखिए, यदि समन्वय किसी चीज़ में बनता है तो समन्वय विचारधारा का होता है, हमारी विचारधारा एक जैसी होगी समन्वय बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो उसमें हमको सभी को जोड़ना है, ऐसे नहीं कि बुद्ध विहार अकेले, बुद्ध विहार को जोड़ेंगे तो बुद्ध विहार अकेले जुड़ जाएंगे, तो हमारे और भी बहुत सारे संस्थान हैं जो हमारी विचारधारा से मेल खाते हैं, उन सारे संस्थानों को एक साथ जोड़ने के लिए हमको बहुजन मूवमेंट के नाम से, पूरा बहुजन मूवमेंट के नाम से चलना है, या कोई ऐसा अखिल भारतीय बहुजन संघ के नाम से चलाए, ऐसा कुछ करके ऐसा एक संगठन हमारा होना चाहिए जो सारे धर्म के जितने हमारे वो है, जैसे आपने कहा कि गुरु नानक साहब का भी है उसमें, रविदास जी का भी है, कबीर साहब का भी है, गुरु घासदास जी का भी है, और आपके और तमाम तरह के आदिवासी बेल्ट में चले जाएंगे तो उनका भी है। तो इस सब लोग एक साथ मिले कैसे, तो हमारा धार्मिक क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनको सबको एक साथ आना चाहिए। निश्चित रूप से सब एक साथ आएंगे, उनका अच्छा मन होगा, आएंगे तो काम तो आगे बढ़ेगा। सभी की इच्छा है भंते जी के एक साथ आए, काम आगे बढ़ेगा, सब जानते हैं जी। इसकी पहल कौन करेगा? पहल आप जैसे लोग करेंगे, आप जैसे लोग करेंगे तो काम आगे बढ़ेगा भंते जी, ये काम भिक्खुओं का और जो पूरा जीवन अपना लगाते हैं, हम तो ग्रस्त हैं जी जी, हम तो आपका वीडियो बना के इसको डाल सकते हैं, मगर जी जी। आप तो पूरा मूवमेंट चलाते हैं, मिशन चलाते हैं, दरअसल भिक्खुओं को, धम्म गुरुओं को ही तो आगे काम करना पड़ेगा। नहीं, धम्म गुरु को भी करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए, दोनों का सामंजस्य बैठना चाहिए, धम्म गुरु भी इकट्ठे हो जाए, वो भी सामंजस्य बनाए काम करेंगे तो काम होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसकी पहल तो करना पड़ेगी। तो भंते जी, क्यों ना इसकी पहल आपसे ही आरंभ की जाए, आप ही, क्योंकि आपके पास तो संस्था भी है, जानकारी भी, आप डॉक्टर भी हैं जी जी, इसको बात को आगे बढ़ाया जाए कि सारे ऑल इंडिया के भिक्खु एक साथ आके बैठें, सारे बुद्ध विहार एक साथ आएं, सारे कबीर भवन, अम्बेडकर भवन और गुरु घासदास भवन, नामदेव भवन, तुकाराम भवन, ये सारे भवन जितने भी हैं, रविदास भवन, कबीर भवन, ये सब एक साथ आएं, तो वाल्मीकि भवन, क्योंकि जब तक ये सब लोग नहीं आएंगे साथ तब तक तो कोई फायदा इनके बच्चों को मिलने वाला दिखाई देता नहीं जी। क्या विचार है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, शुरुआत होना चाहिए। तो बाबा साहब का सपना फिर जो प्रबुद्ध भारत का है उसके लिए आप क्या समझते हैं, कैसे पूरा होगा वो? देखिए, मैंने इसमें एक चीज महसूस किया है, वो ये महसूस किया, अभी हमारा जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में जो हमको धम्म दिया तो वो एक क्रांति थी, वो एक रेवोल्यूशन था, वो रेवोल्यूशन था, ऐसा रेवोल्यूशन था वो जो पूरे देश में संचालित हुआ, लगभग 5 लाख लोगों ने दीक्षा ग्रहण किया, 5 लाख लोग बुद्धिस्ट बने, ये ऐसा मोटा मोटा फिगर हमारे सामने आया है। लेकिन उसके बाद से अगर आप कैलकुलेट करेंगे लगभग 64-65 साल हो गया है, 64-65 साल के बाद आप देखेंगे
कि हमारी जो गति है वो गति उस गति से आगे हम नहीं बढ़ पाए। उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि धम्म जो है कुछ खास जातियों में सिमट करके रह गया। जैसे महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो महाकमटी में सिमट के रह गया है, इधर मध्य भारत में आ जाएंगे तो खास जाति में भी सिमट के रह गया है, और इधर आप दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो खास जाति में सिमट के रह। कुछ जातियां हैं जिन्होंने इस धर्म को स्वीकार किया, परंतु तो पिछड़ा वर्ग है जो 52% है, बहुत बड़ी आबादी है, उसको हवा भी नहीं लगी इसकी, वो जरा भी टच नहीं किया गया उसको। तो मैं चाहता हूं कि इस काम को हमें पिछली जाति के बीच में भी जाकर करना चाहिए। मेरा टारगेट ये है कि पिछली जाति के बीच में हम जाएं और धर्म को बांटे, धर्म को ही बांटे हम। लेकिन समस्या ये खड़ी हो जाती है हमारे लोगों की कि अभी तक आपने सवाल पूछा कि क्यों आगे नहीं बढ़ा, तो इसका कारण एक सबसे बड़ा समझ में आता है कि जब हम जो पिछली जाति के लोग हैं वो हिंदू धर्म के अंदर बहुत ज़्यादा जकड़े हुए लोग हैं और उनकी परंपराओं में बहुत ज़्यादा जकड़े हुए लोग हैं। लेकिन जब हम बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं को पहले बोल देते, हमारे उपासक लोग उपासकों को दिया बाबा साहब ने प्रतिज्ञा, तो जब धर्म की मंच सजती है कहीं पर भी, धर्म की मंच सजती है, तो वहां पर हम कहेंगे मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मारूंगा, मैं गौरी गणपति कभी पूजा नहीं करूंगा। जैसे शुरू किया आपने इसको, तो पिछली जाति के लोग जो सभा में आए हैं सुनने के लिए, धर्म को सुनने के लिए आए हैं, बेचारे में धीरे धीरे भागने लगते हैं और भागते भागते अलग निकल जाते हैं वो। और जब भिक्षुओं के बोलने का नंबर आता है तो वो धर्म की बात बताते हैं, तब तक तो वो रहते नहीं वहां पर, तो जब तक वो वहाँ रहेंगे नहीं तो वो सुनेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? तो अभी सुनने लायक नहीं हो, तो हमको उनको कम से कम पहले आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उनको इस स्थिति में लाना है कि वो हमारी बात को सुनने की स्थिति में पहुंच जाए, फिर अपने आप छोड़ देंगे वो सारी चीज़ों को। तो ये काम जो है बड़े पैमाने पर हुआ है इस तरह का, इस वजह से पिछली जाति को अपने टच बिल्कुल नहीं कर पाए। और पिछली जाति के पास हम जाते हैं, आज मैं जाता हूँ, मैं पिछली जाति में जाता हूँ, मैं बुद्धि की बात उनको बताता हूँ, उनको बहुत अच्छी लगती है, कहते बंदे जी आज तक इस तरह की बात बताने वाले हमको हमारे बीच में नहीं आए। बल्कि हमको तो ये बताते हैं लोग कि बुद्ध की बात बताने का मतलब है, बौद्ध धर्म का मतलब है कि हिंदू देवी देवताओं को गाली गलौज करना, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलना, ये मतलब होता है, ऐसा उनके दिमाग में बात बैठ गई है, तो उसको हमें निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारा बुद्ध में भारत बनेगा। ये 52 इतनी बड़ी आबादी है, उसको छोड़ देंगे तो बुद्ध में भारत कैसे बनेगा हमारा? मतलब आप कह रहे हैं कि भिक्खु को अपनी ही बात धर्म की बतानी चाहिए, औरों का हमें किसी भी हालत में कोई निगेटिव या कुछ भी नहीं लेना चाहिए, हमारी बातें ज़्यादा अच्छी हैं, हम उन लोगों को बताएंगे तो वो असर करेंगी, जैसे अशोक के समय में भगवान बुद्ध के समय में करती थी। नहीं, भिक्खु नहीं बताता ये बातें, बिल्कुल नहीं बता, बिल्कुल तो सही अपनी जगह पे, बिल्कुल कभी भी उपास प्रतिज्ञाओं की बात नहीं करता है, क्योंकि बिल्कुल को उपास प्रतिज्ञा नहीं, बाबा साहब ने तो उपासकों को दी ना, तो उपासक इस बात को करते हैं, उपासक इस बात को बोलना बंद करे, उपासक बोलना बंद करे, उपासक आराम से बुद्ध की बात करे, बोल बुद्ध की बात का समझा उनको, तो बात समझ में आएगी उनको अपने आप। मतलब उपासक लोग निगेटिव बात ना करें, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिव बात करें, भगवान बुद्ध की बातें और बाबा साहब की जो पॉजिटिव बातें उनको करें। बंदे जी, आपने जो ये शिक्षा का प्रचार प्रसार का काम किया और जो भिक्खु जीवन में आप आए और जो आप पूरा जीवन आप भिक्खु जीवन में दे रहे हैं, आप इससे संतुष्ट हैं, खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो मुझे तो बहुत प्रसन्नता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बात को सुने भिक्षु संघ को मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। अभी भिक्षु संघ को मैं कैटर के अंदर शुरू कर दिया हूँ कि भिक्षु संघ को बुलाते हम, हमारा प्रोग्राम है कि दो दिन का प्रोग्राम रखते हैं, पहला दिन का प्रोग्राम होता है सैटरडे को और दूसरा प्रोग्राम होता है संडे को। तो सैटरडे को बुलाते हैं संघ को, भिक्षु संघ आता है, उनको हम कैडर के ब्लैक बोर्ड के ऊपर समझाते हैं, 2-3 घंटे 4 घंटे समझाते हैं, और उसके बाद वो दिन में चलता है प्रोग्राम, 2-3 स्टेप में प्रोग्राम चलता है, तो भिक्षु संघ को समझाते हैं पूरा बात। उसके बाद फिर जो है संडे को उपासकों का, क्योंकि उपासकों को छुट्टी का दिन मिलना चाहिए, तो उनको संडे का रखा है, तो उपासक संडे को इकट्ठे होते हैं तो उनको बड़ी तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं, तो भिक्षु संघ भी संडे को अवेलेबल रहता है, तो संडे को भिक्षु संघ भी दोबारा सुनता है उस बात के लिए, उपासकों को हम क्या बता दें वो भी संघ समझ जाता है, उपासकों को हम क्या बात बताना है। तो इस प्रकार से संघ के बीच में और उपासकों के बीच में तालमेल बैठता है, और वो संघ जो है वो दूसरे दिन उपासकों के लिए उपलब्ध हो जाता है, तो संघदान भी हो जाता है उनका, तो संघदान करने का उपासकों को अच्छा एक पुण्य का काम करने का मौका मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमने एक प्रोग्राम बना के रखा है कि 2 दिन का हमारा होता है कि हम 2 दिन प्रोग्राम चलाते हैं, सैटरडे को और संडे को, या छुट्टी हुई तो छुट्टी के 1 दिन पहले का और छुट्टी के दिन का, हमें उपासकों को छुट्टी का दिन देना है ताकि उपासक इकट्ठे हो जाए। ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है पूरे देश में, और हम चाह रहे हैं कि संघ में भी प्रसन्नता है, संघ भी अच्छा हो हमारा, और संघ अच्छा होगा तो निश्चित रूप से उपासक भी अच्छे होंगे, संघ को बहुत अच्छा होगा तो उपासक बहुत अच्छे होंगे, ये हमारी अपनी थ्योरी है। और कुछ कहना चाहेंगे भंते जी उपासकों के लिए? उपासकों के लिए बस मेरा यही है कि उपासक अपना धर्म निभाएं, जो उपासक का धर्म है उसको निभाने का काम करें, और भिक्षु संघ के साथ में तालमेल बना के काम करें, सब लोग मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये काम आगे बढ़ेगा। और ये उपासकों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और उससे बड़ी जिम्मेवारी भिक्षु संघ की है कि भिक्षु संघ अपने आप को ठीक करे, जहाँ पर उसने अभी तक लाया कारोबार को, उस कारोबार को और अच्छे से बढ़ाने के लिए वो संघ शामिल हो इसमें।
चलिए धन्यवाद भंते जी, साधु साधु साधु। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.